आज के दौर में जिस तरह से छोटे छोटे शहरों के कलाकार बड़े पर्दे पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। इसके साथ ही जिस तरह से छोटे शहरों की लड़कियां अपनी आंखों में अभिनेत्रियां बनने का सपना लिए माया नगरी मुंबई का रुख कर रही हैं, उसे भी बेहद अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। इसी तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी से निकलकर रुपहले पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने वाली प्राची अधिकारी भी इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। प्राची के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो वो तमिल और तेलुगु फिल्में 14 फिल्में कर चुकी हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के साथ ही ग्लैमरस अदाओं की वजह से प्राची को दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने के मौके मिलते चले गए। वहीं अब ये भी खबर आ रही है कि वो बहुत जल्द ही भोजपुरी फिल्मों की तरफ भी नजर आ सकती हैं। इस बारे में खुद प्राची कहती हैं कि भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े निर्माता और निर्देशकों से उनकी बात चल रही है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द भोजपुरी फिल्मों में भी वो नजर आएंगी। प्राची अपने बारे में बताती हैं कि जिस तरह से पर्दे पर वो बोल्ड दिखाई देती हैं उसी तरह से अपनी असल जिंदगी में वो बेहद बोल्ड हैं। प्राची तो ये तक कहती हैं कि अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और बेबाक नजरिए की वजह से ही आज वो फिल्मों में काम कर रही हैं। वैसे एक्टिंग के प्रति अपने लगाव के बारे में प्राची कहती हैं कि उन्हें अभिनय का शौक बचपन से ही था और यही वजह थी कि वो पर्दे पर हीरोइनों की जगह खुद को देखा करती थी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि प्राची भोजपुरी फिल्मों में कब तक नजर आती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।